हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आगरा की एक और वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं, तो वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो को एंजॉय करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिलहाल हम जा रहे हैं आगरा के फेमस मेहताब बाग देखने, जहां से आपको ताजमहल का खूबसूरत नज़ारा देखने मिलेगा। तो सबसे पहले टिकट लेते हैं, जिसका प्राइस है 15 रुपये पर पर्सन इंडियन का, और विदेशी का 200 से 300 रुपये है। तो ये है मेहताब बाग के अंदर का नज़ारा, जहां आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी और यह नज़ारा देखकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल का रोचक इतिहास दुनिया जानती है। इससे जुड़ी स्मारकों का इतिहास भी कम रोचक नहीं है। इनमें से मेहताब बाग भी एक है। इसे भी मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। आगरा का मेहताब बाग, जिसका अर्थ है मून लाइट गार्डन, इसको चांदनी बाग भी कहते हैं, फोटोग्राफी और वीडियो बनाने वाले लोगों के बीच बहुत ही फेमस है। ज्यादातर टूरिस्ट सूरज निकलने के समय ताजमहल देखने के लिए आते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सूरज डूबने के वक्त यमुना नदी के पार मेहताब बाग से ताजमहल का नज़ारा काफी शानदार और यादगार दिखता है। आगरा का मेहताब बाग, जिसे चांदनी बाग के नाम से भी जाना जाता है, ताजमहल के ठीक सामने यमुना नदी के दूसरे तरफ 25 एकड़ में बने हुए इस बाग का निर्माण 1631 से 1635 के बीच हुआ था। बाग की चौड़ाई बिल्कुल ताजमहल की चौड़ाई के बराबर है। मेहताब बाग के बीचों बीच एक 8 भुजाओं वाला तालाब बना हुआ है, जिसमें ताजमहल की खूबसूरत अक्स देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल यह तालाब सूखा हुआ है। मेहताब बाग से भी लोग ताजमहल की खूबसूरती को देख सकते हैं। मेहताब बाग से कई रोचक कहानियां जुड़ी हैं। कहा जाता है इस बाग में शाहजहां अपने लिए काला ताजमहल का निर्माण करने वाले थे, लेकिन औरंगजेब ने इन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया था, तो इनकी यह ख्वाहिश अधूरी रह गई। लेकिन इस कहानी का कोई सोर्स आपको किसी इतिहास में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये बात कितनी सच्ची है, जो कि काला ताजमहल से रिलेटेड है कि यहाँ पर काला ताजमहल बनने वाला था। जुमे के दिन इस बाग में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि ताजमहल हर जुमे को बंद होता है। तो उस दिन ज़्यादातर टूरिस्ट यमुना पार स्थित इस बाग में आकर ताजमहल का दीदार कर लेते हैं, क्योंकि इस बाग से ताजमहल पूरा क्लियर दिखता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कितना क्लियर आपको ताजमहल यहाँ से दिखता है, और ऐसा फील होता है ताजमहल नदी के उस पार नहीं, मेहताब बाग में ही बना हो। और यहाँ से फोटो भी खूबसूरत आती है, और यहाँ से हरियाली और यमुना नदी के बीच से ताजमहल बेहद खूबसूरत दिखता है। डेली यहाँ हजारों टूरिस्ट आते हैं और हरी भरी घास पर बैठकर घंटों ताजमहल का दीदार करते हैं। ये सामने खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं, हरी भरी घास की लान और दोनों साइड पर खूबसूरत तरीके से कटिंग किए गए पेड़ पौधे, और इनके बीच सामने चमकता हुआ ताजमहल दिख रहा है। और ये पूरा नज़ारा देखने के बाद दिल खुश हो जाता है। और यहाँ पर फोटो क्लिक करना और रील वीडियो बनाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा, इतना इंतहाई खूबसूरत नज़ारा हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ऑस्ट्रिया की इतिहासकार इवा कोच मेहताब बाग को ताजमहल के डिज़ाइन का हिस्सा मानती है। उनके मुताबिक ताजमहल मेहताब बाग से लेकर ताजगंज के चारों कटरों का बड़ा परिसर है। 1652 में बाढ़ के बाद मेहताब बाग को नुकसान पहुंचा, जिसका जिक्र औरंगजेब द्वारा शाहजहां को भेजे गए पत्र में किया गया है। यमुना नदी के किनारे बना मेहताब बाग कई बार बाढ़ का शिकार हो चुका है। बताया जाता है कि साल 1996 से पहले यहां केवल लाल पत्थरों की बुर्ज नजर आती थी, लेकिन खुदाई करवाने के बाद यहाँ 25 फवारों सहित एक विशाल और 8 भुजाओं वाला लाल पत्थर से बना हुआ कुंड, बरादरी और प्रवेश द्वार निकला। यहाँ आने वालों को चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। मेहताब बाग में करीब 40 किस्म के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जो इसे और भी खूबसूरत बना देता है। आप यहाँ सामने देख सकते हैं आपको कितने हजारों किस्म के पेड़ वगैरह दिख रहे होंगे,
और ये सारे पेड़ अच्छी तरह से मालियों द्वारा कटिंग किए जाते हैं। ये जो छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं ना, ये काटे हुए पेड़ हैं, इनको अच्छे तरीके से काटा जाता है तब ये जाके इतने खूबसूरत नज़र आते हैं। और ये बीच में कुंड बना हुआ है जहाँ पर फव्वारे उस टाइम लगे थे, फिलहाल यहाँ पर कोई पानी वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर फव्वारा नज़र नहीं आ रहा है, बस उसका निशानी अभी बचा हुआ है। मेहताब बाग ताजमहल से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप रिक्शा या ई रिक्शा से वहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो वहाँ पर बस भी चलती है, तो बस से भी जा सकते हैं। अगर आप टैक्सी या कैब भी बुक करना चाहते हैं तो वो भी बुक करके आप जा सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और साथ में उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो और इसमें बताई गई इतिहास और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।